और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई 15,000 रुपए के अंदर कौन कौन से बढ़िया फोन आ सकते हैं गेमिंग के लिए, स्पेशली पबजी गेमिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई जीएसटी वीएसटी बढ़ चुका है, तो बहुत सारे फोन 15,000 का सेगमेंट छोड़ के 15 से बाहर आ चुके हैं। हम उनको भी ऑनरेबल मेंशन देंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जो सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर है। तो पहला जो फोन है भाई वो है रेडमी नोट 9 प्रो। तो भाई इसमें है 4 GB RAM, स्नैपड्रैगन 720G। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 4 GB RAM से क्या होगा, 6 GB तो चाहिए कम से कम। तो यार देखो मेरी बात सुनो, रैम से इतना फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बहुत अफवाह फैल रही हुई है कि रैम से गेमिंग बढ़िया होती है, लेकिन रैम से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना प्रोसेसर से पड़ता है। मैंने 6 GB RAM वाले पोको F1 पे गेम खेला हुआ है जिसमें स्नैपड्रैगन 845 है, वहीं पे मैंने 8 GB RAM वाले रेडमी नोट 8 प्रो पे गेम खेला हुआ है और पोको F1 जीत गया आराम से, कुत्ते की तरह हराया उसने रेडमी नोट 8 प्रो 8 GB वाले को भी। क्यों, जबकि यार उसमें 2 GB RAM ज्यादा थी। तो भाई रैम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्रोसेसर से। रैम से भी फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं आप बिल्कुल 2 GB ले लो, लेकिन 4 GB बहुत है। और रेडमी नोट 9 प्रो पे 4 GB है बहुत है भाई, समझ लो। और मेनली जो भी 15,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन है उनमें मेनली 4 GB ही है, 6 GB। तो रेडमी नोट 9 प्रो बढ़िया है। इसी का एक और भाई आया अभी, पोको M2 प्रो। अब पोको M2 प्रो बिल्कुल रेडमी नोट 9 प्रो जैसा है, 1 रुपए का फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है भाई कि वो 18 वॉट की जगह 33 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको रेडमी नोट 9 प्रो के लिए भी 14 देने हैं, M2 प्रो के लिए भी 14 देने हैं, तो फिर फास्ट चार्जिंग वाला M2 प्रो क्यों ना ले हम, क्योंकि जब आप गेम खेलोगे तो फास्ट चार्जिंग तो चाहिए ना, फोन डाउन हो जाए क्या फायदा। तो M2 प्रो एक बढ़िया डील है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों फोन में। तो पोको M2 प्रो फाइनल। अब इसके बाद एक और फोन आता है भाई, समझ लो, वो है Realme 6। और उसके अंदर स्नैपड्रैगन नहीं है, उसके अंदर है मीडियाटेक हीलियो G90T, जो कि गेमिंग चिप है मीडियाटेक का, जो कि था रेडमी नोट 8 प्रो में, याद होगा आपको। लेकिन रेडमी नोट 8 प्रो में 90 Hz का डिस्प्ले नहीं था, जो कि इसमें है। इसमें है 90 Hz का डिस्प्ले, वो भी 15,000 रुपए के अंदर। और वहीं पे रेडमी नोट 8 प्रो में 90 Hz का नहीं है, फिर भी वो 16,000 रुपए का है। प्लस Realme 6 में चार्जिंग भी फास्ट है, Redmi Note 8 Pro में इतनी फास्ट नहीं है, 18 वॉट ही है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें ना भाई, तो Realme 6 बढ़िया, 90 Hz फास्टर चार्जिंग, 1,000 रुपए सस्ता। वहीं पे Redmi Note 8 Pro सिर्फ 60 Hz का डिस्प्ले, प्राइस ज्यादा, हाँ उसमें रैम थोड़ी ज्यादा है Redmi Note 8 Pro में, लेकिन रैम का इतना फर्क पड़ता नहीं है, उसमें 6 GB है, Realme 6 में 4 है। तो ऐसे नहीं कि आप 2 GB RAM के चक्कर में 1,000 रुपये और ऑन दे दो, मत करना। प्लस Redmi Note 8 Pro थोड़ा पुराना भी हो चुका है, तो मत लो इतना पुराना, Realme 6 ले लो। मैं यहाँ पे एक और फोन मेंशन करने वाला था, जो कि बहुत बढ़िया डील होता अगर उसकी प्राइस अभी भी वही होती जब लॉन्च होते वक्त थी, और वो है Poco X2। और GST बढ़ने के बाद MI वालों ने सीधे 1,500 रुपये ऑन कर दिए, 16,000 का फोन 17,500 का कर दिया। अब भाई 17,500 रुपये में तो यार 730G और 120 Hz हम देख रहे हैं अच्छी डील है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप 120 Hz और 730G से बिल्कुल मॉर्टल बन जाओगे या फिर PMCO जीत जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला मेरी जान। मेरे को पता है 120 Hz का डिस्प्ले, लेकिन उस फोन के अंदर 730G है, और 730G में इतना बूदा नहीं है भाई कि 120 Hz कॉन्स्टेंट दे पाए। आप नॉर्मल स्क्रोलिंग करते हो ना, उसमें वो थोड़ा थोड़ा ग्लिच मारता है, तो पबजी में अगर 120 Hz का ऑप्शन आ गया तो हक देगा। तो 120 Hz के पीछे इतना मत भागो। तो मेरे भाई ये थे बेस्ट फोन्स 15,000 रुपए के अंदर गेमिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी प्राइस सेगमेंट पे भी ऐसे वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कौन से बेस्ट गेमिंग फोन्स हैं, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलता है एक वीडियो में।